Hi, hello, I'm Surabhi here, your maths educator. तो बच्चों, foundation channel launch हो गया है और अब तक जिसने भी subscribe नहीं किया है, please channel को subscribe करो. मुझे पता है कि आप लोग सारे के सारे बच्चे subscribe कर रहे हो, but फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अब तक subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर लो, so that आपको updates मिलती रहें daily के daily. और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल का लेक्चर टू. लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर टू. लेक्चर वन मैंने किया था कल की क्लास में, आज की क्लास में लेक्चर टू जा रहा है. तो लेक्चर टू में हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा ये लाइंस एंड एंगल्स. ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फिजिक्स में भी बहुत यूज होती है ना. एंगल्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में तो होते ही होते हैं. तो ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मतलब ज्योमेट्री का पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग करना है, सो दैट आपको फिजिक्स में भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आगे जाके. ठीक है बच्चों, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है. मैं आपको बताऊं कि ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं. अभी सबसे पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया है, दैट इज एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स. तो सबसे पहला पार्ट बहुत ध्यान से समझेंगे. जिन लोगों ने लेक्चर वन नहीं देखा है, लेक्चर वन देखो, है ना, और आज की क्लास में लेक्चर टू देखते हैं कैसे कंटिन्यू होता है और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो बच्चों, फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना अपने लिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. हम सारे के सारे टीचर्स डेली के डेली वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, खूब सारे वीडियोज आपको मिल रहे हैं. वीक में सारे दिन सारे वीडियोज आ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे, एंड द टाइमिंग इज 5 to 7. मैथ्स एवरी डे है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 2 डेज है. सारे के सारे वीडियोज देखो, वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ. ओके, नोट्स डाउनलोड करो अपने लिए. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए टेलीग्राम ऐप यूज करते थे या नीट के लिए टेलीग्राम ऐप से कनेक्ट होते थे, लेकिन अब फाउंडेशन चैनल भी टेलीग्राम ऐप पे है. आप लोग फाउंडेशन चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं, स्टडीज से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, या फिर जो भी आपको सजेशन लेना है अपनी पढ़ाई के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, आरएमओ के लिए, जो भी सजेशंस लेने हैं. ओके, तो करना क्या है, ब्राउजर में tinyurl.com/unacademyfoundation टाइप करना है और हमसे कनेक्ट होना है. ओके, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इज लाइंस एंड एंगल्स एंड द लेक्चर टू. लेक्चर टू, तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था. सबसे पहले प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री और रे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ, शो दैट सम ऑफ ऑल दीज एंगल इज 360 डिग्री. तो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम्स में. बहुत ध्यान से समझना कैसे करना है. तो बच्चा ध्यान से सुनना, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, यहां तक बढ़ा लिया. अब मैंने जब बढ़ाया तो मुझे पता चला कि ये एक लाइन है. जब ये एक लाइन है तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब मैंने ये लिखा कि एपी इज अ लाइन एंड ओबी एंड ओसी आर रेज, आर रेज ऑन दैट लाइन. सो यहां से एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COP इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री बन जाएगा बच्चों, है ना. सिमिलरली कैसे बन जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है. लीनियर ये एडजेसेंट और ये एडजेसेंट, ये एक लाइन है. मैंने लास्ट क्लास लेक्चर वन में बताया था ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे बनने वाले सारे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा. तो ये 180 डिग्री आ गया. सेकंड, अगेन एपी इज अ लाइन, तो यहां से आपका ये जो एंगल बना और वहां पे ओई एंड ओडी आर रेज उस पे है, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो यहां से एंगल एओबी प्लस एंगल ईओडी प्लस एंगल डीओपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब आप ऐड करोगे बच्चों, तो देखो आपको क्या मिलेगा, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओपी प्लस एंगल एओई प्लस एंगल ईओडी प्लस एंगल डीओपी इज इक्वल टू मिल रहा है आपके पास 360 डिग्री. 180 प्लस 180 यानी कि 360. अब आपको चाहिए क्या था, एओबी तो चाहिए था, ठीक है,
चाहिए था बीओसी, बीओसी भी अवेलेबल है, फिर चाहिए था सीओडी, लेकिन आपके पास है सीओपी एंड डीओपी, तो जो आपके सीओपी और आपके जो डीओपी हैं, ये दोनों मिलके बन जाएंगे आपके कौन से एंगल, एंगल सीओडी, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं एंगल सीओडी। तो मेरे पास जो बन रहा है वो बन रहा है एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल डीओई प्लस एंगल एओई इज इक्वल्स टू बन गया मेरा 360 डिग्री। तो यही मुझे प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, सेम यही प्रूफ करना था। तो सेम बात यही है कि अगर यही कह रहा है प्रूफ दैट द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो इस पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम 360 है, तो वही बात यहां पे लिख दी है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन देता है तो आप एक फिगर बना के सॉल्व कर लेना, अगर ऐसा दिया जाता है तो ये फिगर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी, कितना इजी क्वेश्चन था। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसको कर भी पाए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों के लिए बताया जो लोग नहीं कर पाए थे या जो लोग आज की क्लास में फर्स्ट टाइम हैं। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एंगल्स और कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, लाइन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ एग्जाम्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम पैरेलल लाइंस को डील करने वाले हैं, ट्रांसवर्सल को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइन, ट्रांसवर्सल विद टू लाइन। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। एक लाइन जो टू या टू से ज्यादा लाइंस को इस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो बच्चों, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है पॉइंट दिस और दिस पे, तो ये इसके लिए है आपका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो बच्चों, ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस के लिए। अब ध्यान से समझते हैं आपको क्या क्या चीजें इनके बारे में बता करने को मिल सकती हैं। तो जब कोई लाइन, जो जब कोई ट्रांसवर्सल दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती है, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। क्या क्या एंगल्स बनते हैं, ये एंगल बना, एक एंगल, ये एंगल, चार ये एंगल बने और चार ये एंगल बने, टोटल बनते हैं एट एंगल्स, एट एंगल्स। तो बेटा, अब जरूरी नहीं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल ही हों, ये दोनों लाइंस का पैरेलल का कंडीशन जरूरी नहीं, हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। ट्रांसवर्सल सिर्फ वो लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती है किसी पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ओके, अब क्या क्या एंगल्स बनते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज एक्सटीरियर एंगल एंड अनदर वन इज इंटीरियर एंगल, वन इज एक्सटीरियर एंगल एंड अनदर वन इज एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं कैसे किया है, मैं बताती हूँ आपको। वो जो फिगर मैंने वहां बनाया है उसको मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ, है ना। तो एंगल की नेमिंग भी उसी के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, 1, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5, हाँ 5, 6, 7 एंड 8, ओके। तो अब बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं और कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हैं। दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। तो अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करें, तो जो जैसे नाम होता है, नाम इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स। तो यहां के लिए जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स जो है वो है आपके लिए 4, 3, 6 एंड 5। इंटीरियर एंगल्स 4, 3, 6 एंड 5, इन लाइंस के जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स, उनको क्या बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 5, सॉरी एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5। अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चों, जो एंगल बाहर वाले हैं वो हैं आपके एक्सटीरियर। तो यहां पे जो बाहर वाले एंगल्स हैं वो कितने, 1, 2, 3, 4, तो एक है 1, 2 और एक है 8 और 7। तो बाहर वाले एंगल्स बन गए आपके पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये चार बन गए आपके एक्सटीरियर एंगल्स, ये चार हैं आपके इंटीरियर, ये चार हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। आप चीजों को बहुत ध्यान से समझना, दो लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल डाला तो जो बाहर वाले एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर, जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ऑलराइट,
ये बात सबको समझ आई है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में. तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अब ये 8 एंगल्स फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं. यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, 3 और ये 4. तो 8 एंगल्स फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं 4 इन ग्रुप्स में. तो उनमें सबसे पहले जब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो बच्चों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना. मैंने ये दो लाइंस जब ड्रॉ की थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना. यहाँ जो लिखा है इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो ऑर्डर में चेंज नहीं करना चाहती, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. तो ध्यान से सुनना, ये एंगल था आपका 1, ये था आपका 2, ये था 3 और ये था आपका 4, ये था 5, ये था 6 और ये था 7 और ये था 8. तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो होते हैं कि जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये लाइन है, इस लाइन के ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल पे जब ये एंगल जो बनेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इस लाइन और इस ट्रांसवर्सल के इस साइड वाले एंगल्स 1 एंड 5 है, 2 एंड 6 है, 3 एंड 7 है और 4 एंड 8 है. तो मेरे अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं वो बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 का पहला पेयर, फिर सेकेंड पेयर इज एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड थर्ड पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड फोर्थ पेयर इज एंगल 3 एंड एंगल 7. करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे डिफाइन किया मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ बच्चों, कि ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन पे जो इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन पे इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनाया और इस ट्रांसवर्सल ने इस लाइन पे ऊपर जो एंगल बनाया, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है. सिमिलरली इस साइड में 2 एंड 6, डाउन साइड में 4 एंड 8, 3 एंड 7. तो ये एंगल्स बन गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब बात आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर की. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है ये ध्यान से सुनना. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो इंटीरियर, तो इंटीरियर में कौन कौन से एंगल है, 3, 4, 5 एंड 6. अब बात आती है ऑल्टरनेट की, तो बन गया 4, 6 एंड 3 एंड 5. ऑल्टरनेट 6 एंड 4, तो ऑल्टरनेट का जो पेयर बना वो बना 4 एंड 6 एंड सेकेंड बना आपका 3 एंड 5. ध्यान से समझ में आ गई होगी ये बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर 4, 6, 3 एंड 5, ठीक है. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की जब बात आती है तो अगेन एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट, यानी कि पहला जो पेयर बना वो बना 1 एंड 7 एंड सेकेंड जो पेयर बना वो बना 2 एंड 8. फर्स्ट बना 1 एंड 7, सेकेंड बना 2 एंड 8. आई होप ये बात सबको समझ आई होगी. अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स. कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स देखो कौन से बने आपके, 6 एंड 3 एंड 4 एंड 5. कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर ऑल्टरनेट मतलब ये और ये, ये और ये, कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये और ये. तो कॉन्सिक्यूटिव और को इंटीरियर आपके पास बन गए 3 एंड एंगल 6 पहला पेयर, दूसरा पेयर एंगल 4 एंड एंगल 5. आई होप आप लोगों को इतना बात सारा क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या होते हैं आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और कौन से होते हैं आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. सबको समझ आ गई होगी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी सबको समझ आ गया होगा. एक्सटीरियर की बात हो रही है तो और ऑल्टरनेट की बात हो रही है, तो 1 एंड 7 आ रहा है एंड 2 एंड 8 आ रहा है, तो ये बात सबको समझ आ गई. अब एंगल्स किस किस, अगर आपको ये बातें समझ आ गई बच्चों तो आप आगे का पार्ट बहुत आसानी से समझ पाओगे. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बस आपको ना चीजें ध्यान से समझनी है, उनके नाम से उनको समझना है. अगर आप लर्न करने लगे कि ये एंगल इतना है, ये एंगल ये है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी. तो चीजों को उनके नाम से समझो कि कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं, कौन से कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर और को इंटीरियर होते हैं. ऑल राइट, तो चलो बढ़ते हैं हम आपके आगे. अच्छा एक और बात बताना चाहती हूँ बच्चों, में ये जो एंगल आपका है ये तो लीनियर पेयर का है, ये एंगल भी लाइन का है, ये एंगल भी एक लाइन का है, ये एंगल भी एक लाइन का है. तो यहां से मुझे एक बात समझ है कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है, एंगल 2 एंड एंगल 1 भी 180 है. सिमिलरली एंगल 2 और 3 180 है, 1 एंड 4 180 है, 6 एंड 7 180 है, 8 एंड 5 का सम 180 है. तो ये बातें तो लाइन से हमको पता ही है. ऑलराइट, तो आगे हम बढ़ते हैं, मैं बताऊंगी और भी अच्छे से इन चीजों को. कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं,
उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम. करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम ये कहती है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं. या फिर ऐसा बोले, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स देन द लाइंस आर पैरेलल. देन द लाइंस आर पैरेलल. ध्यान से सुनना बच्चों, हम अभी तक जो सारी ये बातें करेंगे अब वो हम पैरेलल लाइंस के बारे में करेंगे. ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये सारी की सारी हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं. अब तो पैरेलल लाइंस के बारे में जब हम कुछ बात कर रहे हैं तो क्या क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, सबसे पहले जब दो लाइंस पैरेलल हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में इक्वल होंगे. दूसरी बात उसी का कन्वर्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी लाइन पे करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल बनाता है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम. एक्सियोम्स मैंने बताए थे यूक्लिड्स ज्योमेट्री में कि एक्सियोम्स क्या होते हैं. एक्सियोम्स वो होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, वो ट्रू होते हैं. वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रू होते हैं, उनके प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती. तो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम ने ये कहा कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे हैं कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7. तो सारे के सारे ये पेयर आपस में इक्वल है. मतलब कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम. अब ध्यान से सुनना, पहला तो हमने कर दिया क्लियर कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. हर एक वो पेयर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर है वो सारे इक्वल है. लाइक एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंड एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है. ठीक है, एंगल 4 एंगल 6 यहां लिख दे रही हूं. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ये बात है करस्पॉन्डिंग इन ऑल्टरनेट इंटीरियर की. नेक्स्ट, ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर कौन कौन से थे हमारे, थे 3 एंड 6, 4 एंड 5. तो अब कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री का मतलब इनका जो सम है वो 180 के इक्वल है. मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है. दिस इज थर्ड पॉइंट. ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं. और भी चीजें हैं, मैं आगे आगे बताती जाऊंगी, उनका प्रूफ करती रहूंगी. सिमिलरली द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. कि अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री आते हैं तो वो जो दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी. ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल आते हैं तो वो जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल आते हैं तो वो दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए. मैं और भी पॉइंट्स आगे आगे बताती रहूंगी, प्रूफ कराती रहूंगी थ्योरम्स को. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी. और ये तीनों पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इन पे बेस्ड ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. पहली बात कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरी बात ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तीसरी बात ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम बताई दी थी पहले, अब मैं इसके आगे और बढ़ती हूं, दैट इज थ्योरम. अब कुछ थ्योरम्स हैं जिनका मैं प्रूफ बताऊंगी आपको. ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम थी, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं थी. अब क्या पहली थ्योरम है, पहली थ्योरम मैं लेक्चर 1 में करवा चुकी हूं. ये सेकंड थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो जो ये बात मैंने ये बताई थी,
अब ये थ्योरम की फॉर्म में मैं इसका प्रूफ आपको देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये जो एग्जियोम दी गई है मैं इसकी हेल्प लूंगी, क्योंकि ये एग्जियोम है तो इसके प्रूफ की मुझे जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनना, कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हर एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3 एंड 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, एंड आपको जो प्रूफ करना है वो मैं यहां लिख देती हूँ। टू प्रूफ करना है वो ये करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं हमें करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो गिवन है उसको मैं लिख देती हूं, जो गिवन है वो ये गिवन है कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। ऑलराइट, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है ना। अच्छा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है और हमें करना क्या है, देखो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो पहले मैं पहला पार्ट प्रूफ करके दिखाती हूं आपको। तो ध्यान से सुनना, जैसा कि मुझे पता है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, हमने इसका प्रूफ लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में किया था। एंड एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो इन दोनों से मुझे क्या मिला कि एंगल 4 जो हुआ वो एंगल 6 के इक्वल हो गया, क्योंकि अगर ये 2 के इक्वल है और 6 भी 2 के इक्वल है तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल आ गया। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, इन दोनों से मिलके हमें ये मिल गया। तो दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाला प्रूफ करना चाहते हो तो आपको करना है 3 एंड 5, आपको क्या करना है 3 एंड 5, तो आपको पता है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। और आपको ये भी पता है, सॉरी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, और आपको ये भी पता है कि हाँ आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 1 के इक्वल है, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो यहां से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा इन दोनों से मिलके। तो सिर्फ यहां पे 2 चीजें यूज हुई है, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज करना ही पड़ेगा। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 बातें बताई थी उनमें से ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है, इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हैं। अब जब कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको कहीं पे भी इनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप साइड में बस लिख दो कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जैसे आप लिखते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे ही लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हैंस बोथ द एंगल्स आर इक्वल। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज दिस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अगेन वही वाली जो बात मैंने यहां पे लिखी थी, ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब मैं उसका प्रूफ देना चाहती हूं आप लोगों को। मैंने आपको बताया बच्चा कि मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज लर्न करने को नहीं बोलूंगी जो वैलिड नहीं है, आपको सब कुछ प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे ये आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना और आप लोग भी इसको कर पाओगे अगर आप ये बात समझ रहे हो। तो कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइंस पे, देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखना, जो हमने यहां पे बात लिखी थी उसके अकॉर्डिंग हमें करना था एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। तो हमारे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं कौन से, एंगल कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर वाले पहले देखो, ये 4 हैं, इनमें से कॉन्सिक्यूटिव कैसे, जब ये ऑल्टरनेट हो गए तो ये बनेंगे कॉन्सिक्यूटिव। तो जो आपको प्रूफ करना है बच्चों वो ये है कि टू प्रूव, मैं यहां लिख रही हूं बेटा, टू प्रूव में जो आपको प्रूफ करना है वो ये करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री एंड
एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका है कितना 180 डिग्री। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है, तो आप देखते हैं इसको प्रूफ कैसे कर पाते हैं भाई। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें पता है, मुझे ये एक तो चीज ये पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, क्योंकि दिस इज अ लाइन। एंड अगर मैं इसको ओ बोल दूं तो ओ एम इज अ रे, तो आपको पता है कि ओ एम इज अ रे ऑन लाइन एल, सो हेंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे कैसे? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, वो रे है। तो जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, और मुझे एक और बात पता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है, कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से। तो जब ये हो गया तो मैं यहां पे एंगल 2 को रिप्लेस कर सकती हूं किससे? एंगल 6 से। तो जब मैंने एंगल 2 को यहां रिप्लेस किया एंगल 6 से, तो मेरे पास आया एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप एंगल 4 प्लस एंगल 5 करना चाहते हो, तो एक बार फिर से आपको क्या लिखना है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 180 डिग्री। कैसे था ये आपका? ये कौन सा था? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी मैंने कर दिया 180 डिग्री। देखो कितना इजीली हम कर पा रहे हैं। अगर आप चीजों को बेटा बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर में। बच्चे बहुत डरते हैं लाइंस एंड एंगल्स, अगर वो ये नहीं समझ पाएंगे तो आई एम डैम श्योर ना तो वो आगे सर्कल्स कर पाएंगे, ना ट्राइंगल्स कर पाएंगे, ना क्वाड्रिलेटरल कर पाएंगे, है ना। तो क्यों ना हम पहले से ही अपना ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग करें, सो दैट हम इसकी वजह से आगे के चैप्टर्स ना छोड़ें, ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ती हूं, ये थ्योरम सबको समझ आया है। नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ये प्रूव करना है आपको कि इस बार टू लाइंस पैरेलल है। तो ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि अगर 1, 2, 3 एंड 4, मैं हर बार वही एंगल्स ले रही हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सो दैट मैं हर बार वही एंगल्स ले रही हूं, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर एक पेयर ऑफ, हाँ कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो इस बार जो गिवन है वो गिवन ये है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री दिया है। ऑलराइट, और आपको जो प्रूफ करना है, जो टू प्रूव है, वो ये है कि लाइन एम इज पैरेलल टू एन। अब बच्चा ये थोड़ा सा अलग है, ऑल्दो कुछ ज्यादा अलग नहीं है, यूज वही सब करना है। तो ध्यान से देखना, आपको दिया है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज गिवन। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? दिया है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी कंडीशन दी गई है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज नॉट गिवन बट दिस इज अंडरस्टूड, क्योंकि एल इज अ लाइन एंड अगर मैं इसको ओ बोल दूं एंड ओ एम इज अ रे, सो बाय लीनियर पेयर, सो बाय लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। तो अब ये दोनों अगर मैं, ये भी 180 और ये भी 180, तो यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपके पास इक्वल आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 6 के। तो यहां से आपका एंगल 2 जो आ गया वो आ गया एंगल 6 के। और जैसा कि मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में बताया था कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स देन द लाइंस आर पैरेलल। तो बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, अगर कोई भी दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये उसी से प्रूफ हो गया भाई, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। देखा कितना आसानी से हमने प्रूफ कर दिया, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कितना आसानी से हम कर पा रहे हैं चीजों को, है ना। सबको समझ आ गया होगा, आई थिंक सब लोग इसको समझ पाए होंगे, बहुत ही इजी है बच्चे थ्योरम्स। आपको ये थ्योरम्स के प्रूफ आ जाते हैं स्कूल एग्जाम में, और बहुत बार
जब क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं. ऑलराइट, तो मैं अब मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उनमें से इन तीनों का प्रूफ मैं कर चुकी हूँ. अब ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इनका कन्वर्स भी ट्रू होता है, तो उसके कन्वर्स का मैं प्रूफ कर रही हूँ. तो एक के कन्वर्स का मैंने प्रूफ कर दिया. एंड नेक्स्ट वन इज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. अच्छा, अब बच्चे कहेंगे कि मैम इसका कन्वर्स का क्यों नहीं किया, है ना, टू पैरेलल इसके कन्वर्स का क्यों नहीं किया. तो ये भी सेम वैसे ही करना है बेटा. अगर आपको इसके कन्वर्स का करना है, हाँ इसके कन्वर्स का करना है तो सेम वैसा ही है. सॉरी, हाँ सेम वैसा ही है. करना क्या है इस बार, अगर कह रहा है कि अगर दो इंटीरियर टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो वो लाइंस भी पैरेलल होंगी. अगर ये गिवन होता तो कैसे करते. तो सिमिलरली अगर ये एंगल इसके इक्वल दिया होता तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल इसके इक्वल है ही वर्टिकली ऑपोजिट से, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. आई होप सब लोग ये बात समझ गए होंगे. तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज दिस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ये बहुत बार पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में. बच्चों ध्यान से सुनना, कह रहा है कि अगर एक लाइन, आई एम रियली सॉरी, कह रहा है कि अगर एक लाइन, हाँ कह रहा है कि अगर एक लाइन लाइक ये एल है और ये एम है और ये एन है, तो ये जो गिवन है, ये जो गिवन है वो ये गिवन है कि एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज पैरेलल टू एम. तो ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं. तो आपको जो टू प्रूफ करना है वो भी मैं लिख देती हूँ. जो टू प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि एल इज पैरेलल टू एन, कि एल जो है वो एन के पैरेलल है. ये दिया है कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, तो और ये प्रूफ करना है कि एल एम के एन के पैरेलल है. तो बच्चों इसमें हम करते हैं छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन, मतलब मैं यहाँ एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूँ और अगर मैं ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूँ तो मुझे एक बात समझ आती है कि मैंने ये एंगल बोल दिया अगर एक्स, ये एंगल मैंने बोल दिया वाई और ये एंगल बोल दिया मैंने जेड. तो अगर ये एक ट्रांसवर्सल है, मैं इसको बोल देती हूँ पी, एज पी इज अ ट्रांसवर्सल, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है इस पे, तो यहां से एंगल एक्स जो आएगा वो एंगल वाई के इक्वल आएगा. बच्चों कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल एल इज पैरेलल टू एंगल एम बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. सिमिलरली एंगल सॉरी लाइन एम इज पैरेलल टू एन, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल वाई जो आएगा वो एंगल जेड के इक्वल आएगा. क्यों, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल. भाई ये लाइन इसके पैरेलल तो ये इसके इक्वल हुआ और ये इसके इक्वल हुआ, समझ रहे हो. तो अब यहां से मुझे दो चीजें मिल गई, क्या कि एंगल एक्स वाई के इक्वल है और एंगल वाई जेड के इक्वल है. तो इन दोनों से, इक्वेशन वन से और इक्वेशन टू से मुझे ये बात पता चल गई कि एंगल एक्स जो है वो एंगल जेड के इक्वल आ गया. तो अगर एंगल x एंगल z के इक्वल आ गया है तो अगेन ये एक इस पे ट्रांसवर्सल है p, और एंगल x और एंगल z इक्वल आ गए हैं, तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर l एन n, है ना. तो फॉर l, फॉर लाइन l एन n एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, सो हेंस लाइन l इज पैरेलल टू n, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं आपकी, पैरेलल. देखा हमने कितने अच्छे से समझा और कितना आसानी से हम सब कुछ प्रूफ कर पा रहे हैं. बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों इस टॉपिक से बहुत डरते हैं. इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चा, क्योंकि अगर आपको एंगल्स पैरेलल लाइंस की नॉलेज नहीं होगी तो आई एम डैम श्योर आपको फिजिक्स में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. जो लोग मैथ्स नहीं लेंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और मैथ्स में तो है ही है. तो जो लोग मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए तो है ही है, और साथ के साथ फिजिक्स बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जो लोग आगे मेडिकल जाने का सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी
नहीं पढ़ेंगे आगे जाके छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत काम आने वाला है फिजिक्स में। ऑलराइट, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने सारी थ्योरम्स, सारी नहीं ऑलमोस्ट थ्योरम्स कवर कर दी हैं। आगे की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इन थ्योरम्स पे बेस्ड ही होते हैं बच्चों, बस आपको थ्योरम्स एक बार पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊं तो आपको सारी थ्योरम्स याद होनी चाहिए, मतलब आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। ऑलराइट, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, सी यू बच्चों, बाय।